रात को भी इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत तो सुबह जब कपाट खुलते होंगे तो उस हिसाब से कितनी भीड़ होती होगी। बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था, ये देखो, ये है मेरे बाबा केदार, आप देख सकते हो, और शानदार देख सकते हो। अभी थोड़ा रात का समय है तो साफ थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, तो अंदर प्रांगण में जाके दिखाते हैं आपको। भाई साहब क्या नज़ारा है, ब्लॉगरों की भीड़ देख रहे हो आप, बहुत ही भयंकर वाली भीड़, और ब्लॉगर ही ब्लॉगर देखो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आरती चल रही है अभी, और आप आरती का आनंद लीजिए। Yeah.
पे और पूरे भोले बाबा के नारे और चेले कान लग रहे हैं। ये आप देख सकते हो चारों तरफ। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे प्रियंका दीदी मिली हैं, तो आपको भी मिलाते हैं। किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं दीदी, तो फिर भी दीदी आप मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों देख सकते हो आप कैसे महात्मा जी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो
दोस्तों फाइनली व्यू आपने देख लिया होगा केदारनाथ केदार बाबा के, और व्यू आपको मतलब बहुत सारे दिखाए हैं। और ये देख सकते हो बहुत सारे शॉट चल रहे हैं यहाँ, देख सकते हो आप ऊपर शॉट भी चल रहे हैं, सिंगल शॉट था। तो दोस्तों अभी चलते हैं रूम पे और फाइनली थोड़ा खाना पीना खाते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी है, और बाकी सुबह कराएंगे आपको डोली के दर्शन। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल डोली प्रस्थान करेगी ओंकारेश्वर मंदिर के लिए, जहाँ पे गद्दी स्थल है, शिव गद्दी स्थल है, तो वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे और साथ में डोली के साथ चलेंगे। तो आप बस वीडियो में बने रहना, तो बाकी रूम पे जाके आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हो अजीत और रोहित और देव भाई, हम जा रहे हैं रूम पे, और रूम पे जाने से पहले खाना खाएंगे यहाँ पे, और ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बाकी लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे बहुत भीड़ वाली, तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे और उसके बाद चलेंगे रूम पे सीधे और फाइनल उसके बाद। आप इस मंदिर का मतलब क्रेज दे सकते हो लोगों में? नहीं हाँ, रात को भी इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत सुबह जब कपाट खोलते होंगे तो उस हिसाब से कितनी भीड़ होती होगी। बिल्कुल,